हेलो दोस्तों, आज फिर से एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो BS6 जितने गाड़ी क्लास टेस्ट करके स्टार्ट करते हैं उन गाड़ियों के लिए वीडियो ही है। दोस्तों, जब गाड़ी क्लास टेस्ट करने के बाद स्टार्ट नहीं होगी तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, तो देखते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम क्या चेक करते हैं और आसानी से गाड़ी हम स्टार्ट करेंगे। देखिए, क्लास प्रेस करने के बाद सेल्फ मार रहा हूँ, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हुआ। दोस्तों, कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं है गाड़ी में। देखिए, इस तरह अगर प्रॉब्लम आए तो सबसे पहले हम गाड़ी का जो क्लास स्विच है, क्लास पेडल के ऊपर जो क्लास स्विच रहता है उसको कबलर को निकालेंगे, और ये दो तार वाला रहता है, देखिए उसमें चेक करने का तरीका ये है। अगर क्लास स्विच ख़राब है या नहीं ये चेक करने का तरीका ये, इस तरह के एक तार लेना है छोटा सा, कबलर के दोनों पिनों में इस तरह लगा देना है। देखिए, इस तरह लगा के, लगाने के बाद क्लास को प्रेस नहीं करना है, इस तरह छोड़ के सेल्फ मारना है। देखिए देखिए, इस तरह सेल्फ मार के, देखिए स्टार्ट हो गया है। तो हम आसानी से पता लगा सकते हैं ये क्लास स्विच ख़राब है। अगर लाइन में दिक्कत आएगी तो स्टार्ट नहीं होगा, इसमें करंट वगैरह चेक करेंगे। और क्लास स्विच ख़राब है तो आसानी से इस तरह हम चेक करके पता लगा सकते हैं। दोस्तों, आशा करते हैं आज के वीडियो में कुछ सीखे हैं हम। तो वीडियो को अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक और सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुदा हाफिज़।